सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर मैकेनिक टीवी। तो आज हमारे पास है ड्रीम नियो। तो आज जैसे कि हम लोग इसका चेंज करने वाले हैं टाइमिंग चेन, तो आज हम इसी वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताएंगे कि इसका टाइमिंग चेन कैसे सेट करते हैं और इसका टैपिट कैसे सेट करते हैं और टाइमिंग चेन इसमें कैसे डालते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बताएँगे कि आपका टाइमिंग चेन कैसे इंस्टॉल कर दे। तो आपने देख लिया कि हमने इसमें अभी क्या क्या ओपन किया है, इतनी चीज़ हमने ओपन कर दिया। मैग्नेट को बाहर कर दिया, यहाँ पे जो मैग्नेट्स के गियर्स मैंने वो जो टाइमिंग चेन के गियर्स यहाँ पे लगे थे हमने उसको भी निकाल दिया है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका टाइमिंग चेन कैसे लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब हम टाइमिंग चेन को फिट कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर से इसका टाइमिंग चेन अंदर डाल दे रहे हैं। अभी हमने टाइमिंग चेन को टाइमिंग गियर में यहाँ पे फिट कर दिया। अब आपको हम ये बताएंगे कि जो हमारी गाड़ी की टाइमिंग है उसको हमें कहाँ पे फिट करना है। तो अभी हम इसका जो ऊपर का वाला गियर होता है टाइमिंग गियर, हम उसको बैठा लेंगे। आपको कुछ यहाँ पे दो डॉट दिख रहे हैं, आपको सिंगल वाइस एरिया में देखने को मिलता है, आमने सामने देखने को मिले। और आपकी जो पिस्टन की TDC कंडीशन है वो आपको कैसे पता करनी है, तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे एक लॉक दिया होता है जो हमारे मैग्नेट को लॉक करता है। और यहाँ पे आपको चेम्बर में यहाँ पे एक एरो दिखा होता है, जस्ट हमें इसके अपोजिट में इसको रखना है ताकि जो हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन है वो TDC कंडीशन में हमें सेट होती है। तो अभी हमने इस टाइमिंग चेन को लगा दिया है और आपको इसकी टाइमिंग के बारे में बता दिया है। अब उसके बाद जो आता है हमारा के बाद हमारी ये जो ऑयल गियर होती है, हमारे ऑयल गियर को डालनी है। ये हमें नीचे से डालनी है, हमने ऑयल गियर को लगा लिया है। तो अब हम उसके बाद जो हमारी टाइमिंग चेन की बोल्ट होती है 12 mm की, इसको लगा लेंगे। अभी हम इसको हल्का टाइट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग पाएगी, इसलिए हम इसको टाइट नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारा अंदर का रोलर वाला गियर होता है उससे पहले हम उसको फिट कर लेंगे। इसको आपको आराम से फिट करना है और इसको देख के फिट करना है कि अंदर रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये बीच में घूमेगा नहीं तो आपकी टाइमिंग चेन अच्छे से नहीं चलेगी। तो अभी हमने जो हमारा ऑयल गियर होता है उसको हमने लगा लिया। अब इसके हम 10 mm के बोल्ट को टी स्पैनर से हम इसको टाइट कर लेंगे। आपको इसको हाथ डाल के देखना है कि ये अंदर रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर रोल नहीं कर रहा तो आप इसको ना लगाएं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक और गियर देखने को मिलेगी, इसके अंदर जस्ट एक बुश होता है और इस गियर को हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हम इसको लगा ले रहे हैं।
हमने इसको अच्छे से टाइट कर लेनी होगी। हमने इसको टाइट कर दिया और टाइट करते समय आपको एक बातों का ध्यान रखना, हम इसको हाथ से घुमा के देख लेंगे कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो अब हम हमारी बात आती है जो हमारा लास्ट गियर होता है जो हमारी टाइमिंग चेन के साथ रन करता है, अब हम उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, हम इसको टाइट कर ले रहे हैं। हमारा जो गियर था ये टाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग चेन की जो स्प्रिंग होती है जो यहाँ पे हमारी ये टाइमिंग चेन की स्प्रिंग होती है हमें इसको लगा लेंगे। ये हमारी लूज स्प्रिंग है, इसमें एक हार्ड स्प्रिंग आती है। बहुत से बाहर के मैकेनिक जो होते हैं इसमें जुगाड़ कर देते हैं ताकि हमारी टाइमिंग चेन कुछ ज़्यादा देर तक चले, तभी हम इसमें लगा लेंगे। ये आपको नीचे चैम्बर की साइड देखने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ का सारा चीज फिक्स कर दिया। अब हम इसके ऊपर का जो हेड कवर होता है हम उसको फिट करेंगे। तो ये हमारा हेड कवर है। यहाँ पे इसके साइड में जो वायरिंग होती है, लगाने से पहले हमें इस पर बॉन्ड ज़रूर लगा लेना चाहिए ताकि हमारे जो ऑयल लीकेज दिक्कत है, जो इश्यू है, हमें देखने को ना मिले। इसको फिट कर लेंगे। यहाँ पे हमें हमारे चार बोर्ड देखने को मिलेंगे। ये हमारा, अब हम इसके टॉप कवर को टाइट कर लेंगे। इसका टॉप कवर हमें चार बोर्ड से टाइट करना होगा, जो हमारे 8mm के बोर्ड हैं उनसे हमें टाइट करना होगा। तो हम इसके ऊपर वाले बोर्ड को टाइट कर लेंगे। याद रहे आपको सारे जो बोल्ट्स हैं इसके, ये सारे बोल्ट अच्छे से टाइट करना है ताकि हमारी जो ऑयल लीकेज की दिक्कत हो। अब हम इसको टाइट कर लिया। हमारा एक बोल्ट लास्ट वाला बच चुका है। अब हम जो हमारा मैग्नेट है हम उसको फिट करेंगे। तो ये है हमारा मैग्नेट, और मैग्नेट में हमारी चाबी लगी हुई है
तो हम इसमें कुछ करना नहीं है, हमें जस्ट हमें मैग्नेट की जो चाबी है उसको देख के इसको बैठा लेना है। बैठा बैठाने के बाद मैग्नेट्स के जो बोल्ट्स होते हैं इस पे एक वाइसर होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको 17 mm के स्पैनर से इसको हम टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने से पहले हमें कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम मैग्नेट कवर को पकड़ के टाइट करेंगे। और ये रही वो स्पेशल टूल, इसकी मदद से हम मैग्नेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। अभी हमारा मैग्नेट टाइट हो चुका है। उसके बाद जो हमने लास्ट में छोड़ा हुआ था, ये जो हमारा 12 mm का टाइमिंग चैन वाला बोल्ट है, अभी इस टाइम हम इसको भी टाइट कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास डबल फोर्स आ रहा है, तो इससे हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। वो आपको बहुत अच्छे से टाइट करना है ताकि ये बाद में जाके लीकेज ना करे। उसके बाद ये जो प्लेट है हमारी, इस सरफेस पे जाके फिट होगी। तो हमें यहाँ पे हमें ओरिंग भी देखने को मिलती है, तो हम इस ओरिंग में भी जो हमारा बॉन्ड ट्यूब था हम इस पर भी लगा लेंगे, ताकि जो हमारी लीकेज की इश्यू क्रिएट होती है वो ना आए। तो अब हम इसको बैठा लेंगे। तो अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने इसका ऊपर का हेड कवर फिट कर दिया है, उसके बाद टाइमिंग प्लेट फिट कर दी। अब हम इसके मैग्नेट में जो स्पेशल टूल लगा के इसको ओपन किए थे, इसको ओपन कर रहे हैं, इसको खोल लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी मैग्नेट कॉइल प्लेट होती है हम इसको लगा लेंगे। सबसे पहले अभी हम इसको निकाल ले रहे हैं। हमने इसको निकाल दिया है। अब हम मैग्नेट चैम्बर के पैकिंग इसको लगा लेंगे। अगर ये हमारा इसमें नहीं बैठ रहा तो हम इसमें भी बैठा के इसको बैठा सकते हैं।
हम इसी में बैठा के इसको बैठाएंगे। इसको फिट कर दिए, अब इसके ऊपर के जितने भी बड़े बोल्ट्स होंगे हम इसको लगा लेंगे। यहाँ ऊपर हमें दो बड़े बोल्ट्स देखने को मिलेंगे, बाकी सब छोटे बोल्ट रहेंगे। इसको एटमिक बिटी इसमें से टाइट कर ले रहे बोल्ट को टाइट कर दिया। तो अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी की जो साउंड है वो कैसी आई है। तो जैसा कि हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इंजन का इसका साउंड सुना देंगे, इस गाड़ी का साउंड कैसा निकल रहा है। साउंड भी आ रही होगी। तो हमने जो इसका टाइमिंग चेन जो हमने इसका चेंज किया, फुल डिटेल्स में हमने इस वीडियो में आपको बताया इसका टाइमिंग चेन कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपकी बाइक ड्रीम नियो हो या ड्रीम योगा है तो आप दोनों बाइक का सेम प्रोसेस से टाइमिंग चेन चेंज कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।